यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री सपन दास गुप्ता, एमिनेंट एकेडमिशियन जर्नलिस्ट आल्सो, श्री सपन दास गुप्ता विल कंटेस्ट फ्रॉम तारकेश्वर। हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, ताराकेश्वर। खबर इस वक्त की, बंगाल के लिए दूसरी लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है और अब एक के बाद एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। तीसरे और चौथे चरण के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपन दास गुप्ता को भी तारकेश्वर से चुनावी मैदान में उतार रही है ममता बनर्जी। कई ऐसे बड़े नाम है जिनके नामों का ऐलान इस वक्त हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बीजेपी की ओर से और उसमें बताया गया कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान होगी में। लेकिन बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी तय की थी कि चरणबद्ध तरीके से जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसी चरण के मुताबिक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी, और तीसरे और चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जबकि केरल तमिलनाडु के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह इस सूची को प्रेस के सामने रखते हुए और उन नामों का ऐलान करते हुए, कई अहम नाम जो बड़े किरदार निभा सकते हैं वो चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से। बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। बीजेपी हर अपने बड़े नेता को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की जब लिस्ट का ऐलान हुआ है, चंडी तारा से बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। चंडी तारा से अब बाबुल सुप्रियो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अपने वो तमाम नेता जो वहां कद्दावर भूमिका निभाते हैं वो भी अब विधानसभा चुनाव में होंगे, यानी कि बीजेपी अपने हर नेताओं को उन मैदान में उतारना चाहती है जिन्हें मानती है कि ये चुनाव जीत सकते हैं, और सीधे चुनौती ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को। दूसरी लिस्ट है ये बीजेपी की जिसमें तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और बाबुल सुप्रियो भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सपन दास गुप्ता को भी चुनावी मैदान में उतार रही है बीजेपी तारकेश्वर विधानसभा सीट से। सबसे खास बात यह है कि बंगाल के साथ साथ केरल तमिलनाडु में भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। केरल में बीजेपी ने ई श्रीधरन मेट्रोमैन को बनाया मुख्यमंत्री पद का दावेदार, विधानसभा से टिकट दी है। चेन्नई से भी पूर्व अभिनेत्री खुशबू को जो कांग्रेस में थी उन्हें उतारा है। लेकिन बंगाल की सीटें सबसे महत्वपूर्ण, बिहार होता ना, बिहाला, बिहाला पूर्व, बिहाला ईस्ट, ईस्ट, डॉक्टर इंद्रनील खान बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यह चुनाव लड़ेंगे कस्बा से। डॉक्टर इंद्रनील खान, हाँ इंद्रनील खान, इंद्रनील खान फेमस डॉक्टर, ही विल कंटेस्ट फ्रॉम कस्बा। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर, हावड़ा श्यामपुर, और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी, लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से, CHU CHURA। हाँ चुचुरा बोलो, चुचुरा बंगाल में चुचुरा, CHUNCHURA। अनदर रंतिदेव, इसका पहले बोलना, एमिनेंट पत्रकार, इसका रंतिदेव सेन गुप्ता,
हावड़ा दक्षिण, इसको पल पल और अनदर श्रीमती अंजन बासु, अंजना बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनपुर साउथ, सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव अंजन बासु, अंजना बासु सोनारपुर साउथ, क्या लगता है सोनारपुर साउथ। और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता, एमिनेंट पत्रकार, ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं रंतिदेव सेन गुप्ता बहुत। हाँ, तो इस प्रकार से मित्रों हमने आपको आज तमिलनाडु, केरल और असम, पश्चिम बंगाल के नामों की घोषणा की है जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान सब लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठी हैं जो पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, वह आप सबके बीच में कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बताएंगी। नमस्कार, पहले मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ, बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हिंदी में बता दूंगी।